हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी घर पे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकंड की मैथ्स की वर्कशीट। मैथ्स की वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बच्चे उसको बहुत ही शौक के साथ करते हैं, तो इसको आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करवाइए, इससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। मैंने एक तरफ नंबर नेम लिख दिए हैं, हमें इनके न्यूमरल्स लिखने हैं। 506 क्या लिखेंगे इसको? 506 506 666 666 701 701 990 403 Write the number names for the following। यहाँ पर मैंने numbers लिखे हुए हैं, इनके हमें number name लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 721 यानी 721, तो इसके लिए क्या बनेगा? 721। नेक्स्ट वन 682 533 नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, इन्हें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? 312। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? जैसे यहाँ पे वंस होता है हमारा, ये टेंस होता है और ये हंड्रेड होता है, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टू फिल करेंगे। यहाँ पर अब ये क्या बन गया? टेन। तो यहाँ पर टेन और इसमें 300। तो बच्चों को इस तरीके से समझाना भी है। उसके बाद 415, तो फिर से यहाँ पे 5, तो ये 10 है, तो यहाँ पे 10 और फिर ये 400 इस तरीके से। उसके बाद फिर से 456। उसके बाद आता है सर्कल द लार्जेस्ट एंड स्क्वायर ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे जो मैंने एक रो बनाई हुई है, इसमें हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को स्क्वायर करना है और लार्जेस्ट नंबर को सर्कल करना है। तो सर्च करते हैं, पहले सबसे पहले लार्जेस्ट देखते हैं। 6 2 7 8 कौन सा लार्जेस्ट होगा? ये लार्जेस्ट होगा, इसको हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर 219 है और ये 216 है, तो ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ऐसी सेकंड रो में करते हैं। लार्जेस्ट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट 111 इस तरीके से। उसके बाद फिर से लार्जेस्ट नंबर ढूंढेंगे हम। लार्जेस्ट ये वाला होगा हमारा 534 और स्मॉलेस्ट 138। तो इस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 865 इज। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू में हमारा जो डिजिट होती है वही अपने आप में वैल्यू होती है। मतलब जैसे यहाँ पे 865 लिखा है, तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी और 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। इटसेल्फ वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर 5 है, 5 का पूछा है तो 5 आएगा। उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू ऑफ 9। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 894 इज। तो यहाँ पे हम वंस टेंस और हंड्रेड की हेल्प से करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वंस टेंस हंड्रेड लिखा था, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? वंस और टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे टेंस है, तो ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू 90। फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 624 इज। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, इटसेल्फ वैल्यू होती है। फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 698 6। प्लेस वैल्यू ऑफ 3
इन थ्री सॉरी 9, 4, 3 इज, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 ही रहेगी क्योंकि ये वंस पोजिशन पे है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले हमारा ये 241 है, 256, 247, 219, 249। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 219। देन क्या हो सकता है, 241, 247, 249 और उसके बाद 256। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर करा सकते हैं। उसके बाद आता है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो हम पढ़ते हैं 810, 889, 817। कौन सा नंबर है सबसे छोटा, 8, सबसे बड़ा है हमारा 889। फिर उसके बाद 836, देन 820, उसके बाद 817, देन 810। तो इस तरीके से करा सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिलअप्स। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हमें इसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने कितने नंबर्स का गैप है। जैसे 102 लिखा हुआ है, 102, 104, फिर 106, इसका मतलब 2-2 डिजिट का गैप है, तो हम उसके हिसाब से फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 108, देन 110, 112 और देन 114, इस तरीके से। उसके बाद 210, 220, 230, तो इसमें कितने कितने नंबर्स का गैप है, 10 डिजिट का गैप है, तो वही हमारा पैटर्न होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 240, 250, 260, देन 270। इस तरीके से आपको पैटर्न्स कराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इवन एंड ऑड नंबर्स इन करेक्ट बॉक्सेस। इसमें मुझे क्या करना है, एक तरफ इवन नंबर्स लिखने हैं, दूसरी तरफ ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो सर्च करते हैं हम, इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 72, 36, 68, 48, 16, 22, इस तरीके से। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर में 83, 89, 21, 19, 75, 43, 57, 31 और 65। तो इस तरीके से हम इवन और ऑड नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद आता है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। 707, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, नंबर नेम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमने वंस, टेंस, 100,000 और 10,000 लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद न्यूमरल फिल करेंगे। तो हम इसके पोजीशन के हिसाब से लिखेंगे, जैसे लिखा है 707, तो क्या फिल करेंगे यहाँ पर, 707 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 700 है तो 7 यहाँ लिखा जाएगा, 100 और
7 इस तरीके से। उसके बाद 403, तो 403, 8346, तो 8000 कहाँ पर है हमारा, इधर है, तो 8346 इस तरीके से हम अपना नंबर बना लेते हैं। अब उसके बाद इसको क्या करना है, कंप्लीट करके यहाँ पे लिख देना है 707 403 8346 इस तरीके से। उसके बाद आता है राइट इन शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, इसको हमें क्या करना है कंप्लीट नंबर में करना है, जैसे ये है इसी तरीके से इसको भी किया जाएगा 900 प्लस 50 प्लस 5, तो 55 हो जाएगा ये, तो इसको भी 1 टेंस और 100 की हेल्प से लेंगे तो 955 इस तरीके से लिखा जाएगा। 472 नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे मैंने प्रेडेसेसर, यहाँ पे नंबर्स और यहाँ पे सक्सेसर, बीच में मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं और इधर की तरफ आपको प्रेडेसेसर लिखना है और इधर सक्सेसर लिखना है। प्रेडेसेसर का मतलब होता है -1 और सक्सेसर का मतलब होता है +1, तो हम इसकी हेल्प से ये नंबर्स फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे 857 लिखा है तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, 856 -1 हो गया, और इधर क्या लिखना होगा 858। सेम ऐसे यहाँ पे करना है 3456, तो हम क्या लिखेंगे 3455, और इधर 3457। नेक्स्ट 2349, तो इधर नंबर डिक्रीज 1 इस तरीके से। उसके बाद फिर से 1830 है तो 1829 हो जाएगा -1 1831, तो इस तरीके से आप प्रेडेसेसर और सक्सेसर बच्चों को करा सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी मैथ्स की वर्कशीट, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।